नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है हमारा देश बुलेटिन का, तो आइए रूबरू करवाते हैं आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से। वही बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर की, जो कि सामने आ रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए हालिया बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक और असभ्य टिप्पणी की है, जो राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के माध्यम से भाजपा की आलोचना की और मांग की कि उन नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जो राहुल गांधी के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि यह पूरे कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें और ऐसी बयानबाजी पर अंकुश लगाएं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं कार्यकर्ताओं को कई जो कार्यकर्ता जो आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आए, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि हम राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भाजपा से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुजा अब्बास जुड़ रहे हैं। शुजा, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले देखा गया था कि अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे, और अब जब वही टिप्पणी राहुल गांधी के खिलाफ हुई है तो किस तरह से विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? वैष्णो, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये अपने आप में चिंता का विषय। देखिए, विरोध प्रदर्शन होना, उसके बाद अराजकता, देखिए विरोध में और अराजकता में बहुत फर्क है, और ये हमेशा हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन तक ही रहना चाहिए, वो अराजक ना बने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है वैष्णो के नेताओं की जबान पे जो है वो आजकल देखा ये जा रहा है कि जिसका जो मन होता है वो बोल देता है। अब देखिए, बोलने वाले ने बोल दिया और उसका विरोध जो है वो दूसरी पार्टी कर रही है, मगर इन सब चीजों के बीच में ये देखने वाली बात होती है कि अगर हमारा विरोध कर रहे हो, चल रहा है, हम किसी चीज पे विरोध कर रहे हैं, तो उससे आम जनमानस को परेशानी ना हो। और दूसरी चीज ये है कि जब इस विरोध प्रदर्शन के बारे में खबर आई थी तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी दिल्ली की सड़कों पर, तो वो अपने आप में सोचने को मजबूर करती है वैष्णो जी। बिल्कुल शुजा, ये अपने आप में सोचने वाला एक विषय भी बन चुका है। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं एक बयानबाजी को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए, क्योंकि सामने बात ये भी आ रही है कि प्रदर्शनकारियों की तमाम मांगे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, उनके साथ न्याय नहीं किया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया, तो ये जो प्रदर्शन की आग है ये और भी ज्यादा उग्र होती नजर आएगी। ऐसे में क्या कुछ मांगे उन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सामने आ रही है शुजा? देखिए, सबसे पहली मांग तो ये है कि जो बात है टिप्पणी करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यवाही की बात जो है वो मांग कहीं से गलत मांग नहीं है, मगर उस मांग को रखने का जो अंदाज है, और देखिए देखते देखते जो है वो प्रदर्शन काफी बढ़ गया, और जिसके बाद पुलिस को बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को भी लिया गया है वहां से, प्रदर्शन की जगह से हटाया गया है। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या उन्हें कहीं और ले जाया गया है, मगर जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है ये अपने आप में बताती है कि देखिए, और दिल्ली की राजनीति जो है वो
केंद्र बना हुआ है इस वक्त पूरे देश में, क्योंकि जैसा हमने राजनीतिक परिवर्तन देखे पिछले दिनों, आतिशी का नाम सामने आया, मुख्यमंत्री की अदला बदली हुई, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के इन तमाम चीजों के बीच में ये कांग्रेस का जो ये नया विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और इसने एक नया रुख आम आदमी पार्टी के बाद, जैसा कि आपने कहा, देखिए बिल्कुल शुजा, जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी का भी इस पूरे मामले में जिक्र किया है, अभी आम आदमी पार्टी की हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, और ऐसे में अब देखा जा रहा है अगले ही दिन इस तरह की विरोध प्रदर्शन की आग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्रों से सामने आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पूरी हिंसात्मक घटनाओं को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? अभी तक तो वैष्णो मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है, क्योंकि देखिए अभी भी वहां पर माहौल सही नहीं है। और देखिए इस तरीके की तमाम बातों में यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए दिल्ली में इस वक्त अगर मैं आज की बात करूं तो आज दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने कल इस्तीफा दे दिया था और नई मुख्यमंत्री के नाम का की घोषणा हुई है, मगर अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया है। और ऐसे में इस तरीके के हालात अगले ही दिन राजधानी में हो जाना शहर के अंदर, तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और पुलिस प्रशासन मामले को पूरी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके जो है स्थिति सामान्य की जाए। जी वही आपने पुलिस प्रशासन का जिक्र किया है और लगातार हम देख रहे हैं पुलिस कर्मी भी जो हैं वो लगातार घटना को रोकने में, इस तरह की प्रदर्शन को रोकने में अंकुश लगाने के लिए लगातार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अगर पुलिस प्रशासन की जाए तो क्या कुछ उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं इस प्रदर्शन को किसी तरह से शांत करने के लिए, क्या कुछ अभी तक उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले को देखते हुए? शुजा देखिए पुलिस प्रशासन, देखिए कांग्रेस के नेता बहुत कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भारी मात्रा में जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी की, तमाम चीजें जो हमने देखी तस्वीरों में भी हमने लगातार देख रहे हैं जो हालात हुए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहां पर कोशिश की स्थिति को संभालने की कि किसी तरीके से जो स्थिति है वो सामान्य हो, और उसके बाद पुलिस ने जो है वो कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में, फिलहाल के लिए हिरासत में लिया है और जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा था वहां से उनको हटाया है। अब आगे के देखने वाली बात होगी कि शाम तक क्या स्थिति होती है दिल्ली के अंदर। जी शुजा, जिस तरह से हम देखते हैं कांग्रेस जो है अक्सर शांति, चैन और अमन की बात करती नजर आती है, बड़े ही खुले दिल से वो इस बात का प्रचार प्रसार करती नजर आती है, जनता के बीच जाती नजर आती है, मोहब्बत की दुकान जैसे बातें जो है, स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आती है। वहीं कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं इस तरह से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरीके से रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देना ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन ऐसे में क्या अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको रोकने के लिए या इनको लेकर अभी तक कोई टिप्पणी की गई है या कोई बयान उनकी तरफ से सामने आया है? देखिए दिल्ली में कांग्रेस के तमाम आला नेता जो हैं, जो कमान संभाल रहे हैं, देखिए मैंने अभी बताया कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र नागपाल भी वहां पर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीज़ें जो अभी तक हुई हैं उसके बाद अब देखिए स्थिति, यहां पर सबसे बड़ी बात जो देखने वाली होगी कि इस पूरे मामले पर अभी तक राहुल गांधी की कोई टिप्पणी नहीं आई है, और ये बहुत देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रदर्शन पर और ये पूरा जो माहौल इस वक्त दिल्ली में बन गया है कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद और ये पूरी जो स्थिति है इस पर राहुल गांधी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, महात्मा गांधी के कदमों पर चलने की बात करते हैं, और उसके बाद इस तरीके की जो तस्वीर हम देखते हैं, जो आज हमने देखी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, तो वो अपने आप में सवाल खड़ा करती है। क्योंकि जिस विचारधारा को आप लेकर चले हैं उस विचारधारा के उलट अगर कोई काम होता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे उस चीज पर। बिल्कुल, और देखने वाली बात, कोई बयान देते हैं, बिल्कुल शुजा, अगर आप कोई बयान देते हैं, एक खुले मंच से एक बड़ी बात बोलते हैं और इतने बड़े बड़े अगर नारे देते हैं, और ठीक उसके उलट अगर आप इस तरह से काम कर रही हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रही हैं, तो ऐसे में पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती तो नजर आ रही है। लेकिन पार्टी की छवि को धूमिल होता देख अब तक आम अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए, देखिए सोनिया गांधी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या फिर सोनिया गांधी की बात की जाए या उनकी बेटी की बात की जाए, तमाम जो प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम नेता, इनकी तरफ से अभी तक किसी प्रतिक्रिया का ना आना क्या लगता है पार्टी की छवि को जनता के बीच धूमिल करने का काम नहीं करेगा?
देखिए कहीं ना कहीं इस बात का असर तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए आम जनता सब देख रही है। और मैंने पहले भी ये बात कही कि प्रदर्शन आप करिए, प्रदर्शन के लिए कोई रोक नहीं है, भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर प्रदर्शन और अराजकता में जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। रही बात कांग्रेस के आला नेताओं की, तो अभी के जो स्थिति है उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस होता है, हालांकि इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर शायद ऐसा लग रहा है कि अभी की जो स्थिति है उसको कांग्रेस के आला कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की बात करें, किसी का भी चाहे नाम ले ले, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा जो बात है वो ये देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, जिनकी वजह से, जिनके ऊपर टिप्पणी का ये सारा मामला है, जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, जब स्थिति ऐसी होती है कि विपक्ष में जब वो बैठे होते हैं वो प्रधानमंत्री को जाकर गले लगाते हैं, इस तरीके की तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और कब तक ये जो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, कब शांत होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुजा।